जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ECC फैमिली में। ECC फैमिली Instagram, YouTube, WhatsApp तथा Telegram में भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द आप सभी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथा जरूरी खबरें, चाहे वो प्रवेश से संबंधित खबरें हों, चाहे वो कॉलेज के एकेडमिक से संबंधित हों, सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले तथा सबसे सटीक आपको इविंग क्रिश्चियन कॉलेज फैमिली पेज पे ही मिल जाएगी। तो आप जल्द से जल्द आप सभी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जल्द जुड़ जाएं। आज की इस वीडियो में हम इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के एम ए एंड एम एस सी के एडमिशंस की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम ECC के MA और MSc के इंटरव्यू कंडक्ट हो चुके हैं, उसका रिजल्ट अनाउंस किया जा चुका है, आज 1 बजे अनाउंस किया जा चुका है। तो उसकी बात करेंगे, रिजल्ट अनाउंसमेंट की, और उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है आपके लिए, आगे क्या करना है आपको, कैसे क्या करना है, कैसे फीस पेमेंट करनी है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। देखिए, जिन छात्रों ने इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के लिए MA और MSc के लिए फॉर्म फिलअप किया था, उनका जो इंटरव्यू था वो 28 और 29 को कंडक्ट कराया गया था, जिसका जो रिजल्ट है वो 30 को 1 बजे, 30 को 30 अगस्त को 1 बजे जारी कर दिया गया है। जिन बच्चों का सिलेक्टेड है उनके लिए ऑनलाइन फीस सबमिशन होना है। जिन छात्रों का वेट लिस्टेड आया है, जिन छात्रों के रिजल्ट में वेट लिस्टेड आया है, वो थोड़ा सा इंतज़ार करें, आप लोगों का भी फीस पेमेंट होगा अगर आपकी सीटें बचती हैं। तो देखिए, आप जब भी अपने पोर्टल पे जाएंगे, देखिए ऐसा कुछ होगा, आप इविंग क्रिश्चियन कॉलेज और ECC प्रयागराज .org की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे। देखिए ऐसे कुछ है, ECC प्रयागराज .org को टाइप करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आप सामने जाएंगे, एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे। एडमिशन पोर्टल में आपने जब अपना फॉर्म फिलअप किया होगा MA या MSc कोर्स के लिए, तो आपको एक फॉर्म नंबर मिला गया होगा। फॉर्म नंबर आपके पास होगा, उस फॉर्म नंबर को आपके पास मैसेज भी आया होगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा, 5 डिजिट का आपका फॉर्म नंबर होगा। उस फॉर्म नंबर को या जो आपका फॉर्म का रिसिप्ट होगा, उसमें आपका एंट्रेंस टेस्ट रोल नंबर भी लिखा होगा। तो यहाँ पर आप या तो एंट्रेंस टेस्ट रोल नंबर डाल के ओपन कर लीजिए, या फॉर्म नंबर डाल के, और नीचे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के लॉग इन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आपके सामने आपका पूरा एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी डिटेल्स होंगी, आपकी फोटोज वगैरह होगी, फिर नीचे आपका जो डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड में आपके ये सारे कॉलम्स रहेंगे, जिसमें आपका पहला कॉलम्स होगा माई एप्लीकेशन फॉर्म का। इसके बाद देखिए, आपका रिजल्ट जारी हो चुका है, तो रिजल्ट के सेक्शंस में रिजल्ट दिखेगा, एडमिशन के सेक्शन में आपका एडमिशन होगा, बाकी जो न्यूज एंड नोटिसेज आएंगी वो आपकी ये सारी कॉलम पे रहेंगी, और SMS लॉग और लॉग आउट, ये सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको। देखिए, आपका रिजल्ट जारी हो चुका है, रिजल्ट कुछ इस प्रकार का आया होगा आपका, आप अपने पोर्टल पे जाके अपना रिजल्ट देख सकते हैं लॉग इन करके। लॉग इन करने के लिए मैंने बता ही दिया है आपको, फॉर्म नंबर या एंट्रेंस टेस्ट रोल नंबर और मोबाइल नंबर डाल के लॉग इन करेंगे। रिजल्ट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपका रिजल्ट में नाम, फादर नेम, जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया था वो कोर्स होगा, जिसने जिस छात्र ने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया होगा वो लिखा होगा, जो आपका न्यू एंट्रेंस टेस्ट रोल नंबर है वो भी लिखा होगा, और अगर आपके रिजल्ट में सिलेक्टेड लिखा है तो आप फाइनली MA या MSc जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया था, एक कोर्स के लिए चाहे दोनों कोर्स के लिए, अगर दोनों में आपने इंटरव्यू दिया, दोनों में आपका सिलेक्टेड है, तो आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी एक कोर्स में यदि आपका सिलेक्टेड है। तो जिन छात्रों का वेट लिस्टेड है वो थोड़ा सा वेट करें, आप कब आपके एडमिशन्स होंगे वेट लिस्टेड छात्रों के लिए, उसके अभी हम इस वीडियो में बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़ों को। देखिए, अब बात करते हैं हम आपके एडमिशन्स की, आपको एडमिशन कैसे लेना है। तो देखिए, अब आपको अपने एडमिशन पोर्टल पे जो लॉग इन करेंगे, तो अब आपके सामने रिजल्ट तो आपने देख लिया, अब आपको एडमिशन वाले सेक्शन पे जाना है। देखिए, ये एडमिशन वाला सेक्शन है, इस पे जाना है। इसमें जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जिस सब्जेक्ट का आपने डाला होगा वो वहाँ पर ये लिखा होगा, जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने MSc जॉलॉजी के लिए डाला, तो आपकी अब Semester 1 की फीस पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर आपका एंट्रेंस टेस्ट रोल नंबर लिखा होगा, टोटल फीस जो भी होगी वो लिखी होगी, आपको इन सभी कॉलम्स पर टिक कर देना है, और यहाँ पर भी टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके आप सेलेक्ट कोर्स एंड प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट में क्लिक करेंगे और फीस पेमेंट कर देंगे। फीस पेमेंट में अगर कोई भी एरर आता है, पहली बात तो हम आपको बता दें, देखिए कोशिश करिए, फीस ज़्यादा होगी तो आप या तो साइबर कैफे से करिए, खुद से करने का ट्राई कम करिए, क्योंकि अगर ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया तो आपका फीस रिफंड 3 से 4 डेज बाद ही होगा, 3 से 4 डेज वर्किंग डेज बाद।
तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। आपके लिए एक सुविधा मैं इतना ही कर सकता हूँ कि अगर आपकी पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को बता दीजिएगा। आई विल ट्राई 8840468907 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पे भी पड़ा हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी पड़ा हुआ है, इवन कि मैं नीचे लिंक पे डाल भी दूंगा नीचे कैप्शन पे, तो आप वहाँ से भी आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप में। मैं आपकी फ़ीस पेमेंट करा दूंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो आप साइबर कैफे जाके भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे आपको फ़ीस पेमेंट करनी थी। अब मैं बात डेट की बात कर लेते हैं कब आपका फ़ीस पेमेंट होगा। देखिए ये आपकी नोटिस है, नोटिस फॉर पीजी एमए एंड एमएससी एडमिशन सेशन 2024-25, पर्सनल इंटरव्यू रिजल्ट एंड फीस सबमिशन। जिन छात्रों ने पर्सनल इंटरव्यू दिया था उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, अब आप अपनी फीस जमा करिए। देखिए अब हम डेट की बात कर देते हैं कि कब तक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का होगा, कब वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स का होगा। तो देखिए ये है एमए एंड एमएससी कोर्स के लिए। देखिए जो भी आपका पर्सनल इंटरव्यू का, वो इंटरव्यू कंडक्ट कराए गए थे 28 और 29 को कंडक्ट कराए गए थे। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए जो रिजल्ट आया हुआ है वो 30 को आ चुका है 1 बजे। ऑनलाइन फीस सबमिशन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनके भी रिजल्ट में सिलेक्टेड लिखा हुआ है, उनका जो ऑनलाइन फीस सबमिशन होना है वो 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच होना है। 1 सितंबर के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी होगी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। इसके बाद सीटें बची रहती हैं, तो जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन फीस सबमिशन का पोर्टल ओपन किया जाएगा एमए और एमएससी के छात्रों के लिए। ध्यान दीजिएगा, जो कि वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए जो भी पोर्टल ऑनलाइन सबमिशन का खोला जाएगा, 2 सितंबर से 4 सितंबर के लिए खोला जाएगा। 2 दिन आपके पास टाइम है वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स। वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स ध्यान दें, 2 सितंबर से 4 सितंबर। इसके बाद 5 सितंबर से आपकी एमए और एमएससी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एक चीज़ और देख लीजिए, आपका आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आपने फीस सबमिशन कर दिया, इसके बाद भी आपको कुछ करना है। देखिए फीस सबमिशन के बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने फीस पेमेंट कर दी तो आपका एडमिशन सक्सेसफुली इवन क्रिश्चियन कॉलेज में हो गया, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से आपकी सारी प्रक्रियाएं खत्म हो जाती हैं, आप जाइए और 5 सितंबर से आप क्लासेस ज्वाइन करिए। उम्मीद है लगभग सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को 8840468907 पे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई, मैसेज बहुत आते हैं फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप सबकी रिप्लाई देने की। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका।